बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा होम्स में। सो आज जो प्रोजेक्ट आप विजिट करने वाले हैं, इसकी लोकेशन हमारे जगतपुरा जयपुर में रहेगी। लोकेशन इसकी काफ़ी प्राइम रहेगी। जगतपुरा में जो अक्षयपात्र टेम्पल है उसके बैक में महल योजना आ जाता है, तो महल योजना डी ब्लॉक में ही लोकेटेड है। लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा JDFS रेरा अप्रूव्ड है। आप किसी भी बैंक से, नेशनलाइज बैंक से या प्राइवेट बैंक से, दोनों बैंकों से आपको लोन इस पर ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा ये G+6 का टावर रहेगा, 6 माले का ये टावर रहेगा और 40 फीट रोड पे बना हुआ है। सिंगल फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो सिंगल फ्लोर पे हमारे आपको यहाँ पे 7 फ्लैट मिल जाएंगे। 7 फ्लैट में अगर आप देखेंगे तो हमारे 4 फ्लैट आपको 3 BHK में रहेंगे और 3 फ्लैट आपको हमारे इसमें सिंगल फ्लोर पे 2 BHK में रहेंगे। साइज़ की अगर अपन बात करें तो देखिए, जो 2 BHK का हमारे यहाँ पे साइज़ रहेगा वो लगभग 850 स्क्वायर फीट से लेके और 1100 स्क्वायर फीट तक में आपको 2 BHK के साइज़ मिल जाएंगे। और अगर अपन 3 BHK की बात करें तो 1400 स्क्वायर फीट के लगभग 1400 स्क्वायर फीट से लेके और हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट तक की रेंज में आपको 3 BHK के साइज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, साइज़ भी काफ़ी स्टैंडर्ड है और यूनिट्स आपको 2 BHK में 3 BHK में दोनों साइज़ में यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो आप फ्लैट हमारा देख रहे हैं, ये हमारा 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वेल फर्निश्ड है। अभी हम इसे विजिट करने वाले हैं। सो एमिनिटीज़ की अगर अपन बात करें तो बायोमेट्रिक एंट्री आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी, रूफटॉप पे गार्डन एंड जॉगिंग ट्रैक आप लोगों के लिए रहेगा, जिम आपके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसके अलावा किड्स प्ले एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए, एमिनिटीज़ भी आपको एक जो टाउनशिप में जो G+6 के टावर्स में आपको एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो सारी एमिनिटीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं। सिंगल और टोटल यूनिट्स अगर आप हमारे यहाँ पे देखेंगे तो 42 के आसपास हमारे टोटल फ्लैट्स की यहाँ पे यूनिट्स रहेंगी। अवेलेबिलिटी अभी अपने पास ये मान के चलिए कि 30% प्रोजेक्ट अपना ही सोल्ड आउट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया 1500 स्क्वायर फीट में ही फ्लैट बना हुआ है, एमिनिटीज़ मैंने आपको बता दी है। सो अब अपन चलते हैं इसकी एक विजिटिंग पे चलने से पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृष्णा होम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट्स आपको नोटिफिकेशंस आपको न्यू अपडेट्स की आती रहे। सो आइए, मैंने आपको बताया था सिंगल फ्लोर पे हमारे यहाँ पे 7 फ्लैट रहेंगे। आप देख पा रहे हैं ये अपना सैम्पल फ्लैट है। एंटर जैसे ही आप होते हैं तो देखिए, एंटर होते ही आपको ये आपकी जो एंट्रेंस रहेगी 6x6 का स्पेस आपको ये मिल गया है। यहाँ पे हमने एंटर होते ही यहाँ पे हमने ये टेम्पल के अकॉर्डिंग से डिज़ाइन किया है। एंटर होते ही सामने आपका ही नीचे आपको कबर्ड्स यहाँ पे स्टोरेज के लिए मिल गया है और यहाँ पूरा जो लुक आ रहा है ये टेम्पल का ही हमने इसे सेट किया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे से इसे डेकोरेशन कर सकते हैं। 6x6 का स्पेस आपका एंट्रेंस का काफ़ी अच्छा आपको मिल गया है। इसके अलावा अगर आप रेट्स की बात करें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो देखिए रेट्स इसकी जो रहेगी हमारी अभी फिलहाल की जो 3250 पर स्क्वायर फीट का भी हमारा यहाँ पे रेट है, ये रेट्स हमारी इंक्रीज होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका पूरा 2 BHK का क्या प्राइस रहेगा, 3 BHK का क्या प्राइस रहेगा, सब कुछ हमने मेंशन किया है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का वर्क काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है हम लोगों ने। सो आइए, एंटर होते ही आपको ये मिल जाता है हमारा लिविंग एरिया आप देख रहे हैं तो डायमेंशन इसका जाएगा लगभग 11x16 के आसपास इसका डायमेंशन जाएगा। तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, सोफाज़ हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ के। उसके बाद भी आपके पास वॉकिंग स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इजीली आप मैचेस यहाँ पे वॉक कर पा रही हूँ। देन अगर आप देखेंगे तो लुक की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉल सीलिंग का वर्क हमने वुडन टेक्सचर के अंदर फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पे किया है। देन आप देखेंगे तो ये जो हमने एरिया पूरा इस वॉल को जो सेटअप किया है हमने, यहाँ पे आप अपना LED सेट कर सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ का। इसके अलावा हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीरियर का वर्क भी हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से किया है। आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं, हमने काफ़ी अच्छे से पार्ट को डेकोरेशन किया है, झूला वगैरह यहाँ पे सेट किया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो AC फिटिंग्स आपको सभी बेडरूम्स में एंड कॉमन एरियाज में हमारे यहाँ पे AC फिटिंग्स आपको मिल जाएंगी। इस वॉल का भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये क्विल्टिंग हमने यहाँ पे सेट किया है आपके कंफर्ट जोन को देखते हुए। है लिविंग के जस्ट बाद हम आ गए हैं हमारे डाइनिंग एरिया में। आइए, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं 8x8 का, 8x8 का आपका डायमेंशन ये रहेगा डाइनिंग स्पेस का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं फोर चेयर्स का अपने डाइनिंग टेबल यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद भी अपने पास वॉकिंग स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। और इसके अलावा अगर हम इसके डाइनिंग एरिया के लुक की बात करें तो देखिए, हमने यहाँ पे झूमर सेट किया है, फॉल सीलिंग का वर्क भी हमने यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किया है। सबसे मेन फ्लैट में ये होता है कि वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बिग साइज की हमने आपको यहाँ पे विंडो सेट किया है, विंडो नहीं एक्चुअली बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल गई है। सो बैल्कनी के आपके इसके दो फायदे हो गए, तो आपको अपने डाइनिंग से ही अटैच बैल्कनी मिल गई है, इसका नेचुरल सनलाइट भी आपको बहुत अच्छी आ रही है। इसकी जो लाइट आ रही है, नेचुरल सनलाइट जो आ रही है, धूप जो अपने घर में आ रही है, अपने फ्लैट में आ रही है, वो लिविंग तक जा रही है अपना, तो नेचुरल सनलाइट भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हम आ गए हैं हमारे किचन में। किचन का डायमेंशन लगभग 7x9 के आसपास जाएगा, 7x9 की आपकी किचन रहेगी। और आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज है किचन का भी, काउंटर
टॉप ये आप देख रहे हैं ग्रेनाइट का है, ब्लैक ग्रेनाइट रहेगा ये। यहाँ पे आपको सिंक का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। इसके अलावा अगर आप किचन में भी वेंटिलेशन चेक करेंगे तो देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि अभी धूप मॉर्निंग का टाइम है तो धूप अच्छे सनलाइट अपने किचन में भी आ रही है। स्टोरेज आपको काफी अच्छा मिला है। अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो कैबिनेट्स यहाँ पे भी आपको ऊपर भी काफी अच्छे मिले हैं, नीचे भी काफी अच्छा स्टोरेज आपको मिला है, काफी स्पेशियस है किचन। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जी प्लस सिक्स के टावर्स बनते हैं उसमें जो किचन आपको मिलती है इसी साइज की किचन आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको हमने किचन के साथ एक स्टोरेज भी दिया है। आप अपना किचन का काफी सारा सामान होता है, आप अपना इस एरिया में अपना स्टोरेज इसे बना सकते हैं, अपना कोई भी सामान यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर आपको मिला है। और इसके अलावा हमने जो किचन है इसमें भी फॉल सीलिंग का वर्क काफी अच्छा किया है। सो आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी रहेगी बैल्कनी। मैंने आपको बताया कि अपनी जो लिविंग है, लिविंग डाइनिंग एरिया से ही अटैच आपको ये बालकनी मिल गई, कनेक्टेड ये कॉमन बालकनी है, रनिंग बालकनी है अपनी। एक बार आप लोकेलिटी भी देख लीजिए, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया है, महल योजना वैसे ही अपने जगतपुरा की जानी मानी लोकेशन है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आपको ये जो फ्लैट है मिल रहा है। ये रनिंग बालकनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे इस पूरे फ्लैट में अगर आप फ्लोर देखेंगे तो हमने वैसे तो कॉमन एरियाज में तो हमने विट्रीवेल टाइल्स का यूज़ किया है, बट अगर आप हमारे टू रूम्स में हमने ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये वुडन टेक्सचर नहीं है, एक्चुअल वुडन ही रहेगा। सो ये भी हमने काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देने के लिए हमने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है फ्लोर को भी। इसके अलावा अगर आप रूम का साइज़ देखेंगे तो 10x13 के आसपास का साइज़ जाएगा, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। बेड आप देख रहे हैं, पूरा वॉल हमने बेड का जो बैक साइड का वॉल है काफ़ी अच्छे से हमने इसे रेडी किया है, आपको पूरा कम्फर्ट यहाँ पर रहेगा। बेड भी काफ़ी किंग साइज़ का है आपका। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोरेज, ये देखिए ये आपका स्टोरेज, हमने दोनों साइड आपको वार्डरोब्स दी हैं, आप इजीली अपने रूम्स में काफ़ी सारा सामान होता है आप आराम से स्टोर कर सकते हैं अपना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग का वर्क हमने रूम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। एसी फिटिंग्स आपको मिल ही रही है यहाँ पे। और वेंटिलेशन अगर आप देखेंगे, सबसे मेन फ्लैट में आप यही देखेंगे कि भाई वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, नेचुरल सनलाइट आपको लिविंग में भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। देन अगर आप देखेंगे तो ये जो है विंडो, यूपीवीसी विंडो में टफन ग्लास रहेगा, नेचुरल सनलाइट आप लोगों को रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम कंप्लीट कर लिया है, 3 BHK में फ्लैट बना हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में एंटर होने से पहले इस साइड आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो आप लोगों को यहाँ पे मिल गई है, काफ़ी अच्छा साइज है आपके कॉमन वॉशरूम का भी। इसके अलावा ये हम आ गए हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन सेम जाएगा, वही 10x13 के आसपास का। फ्लोर मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम्स में हमने जो फ्लोर आपको दिया, नीचे वुडन का टेक्सचर नहीं है, वुडन ही एक्चुअली ये वुडन ही रहेगा। वेंटिलेशन आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। रूम्स अब आप देखेंगे कि मैम ये तो आप लोगों ने रेडी किया है, इसलिए आपने काफ़ी अच्छा फ्लैट रेडी कर दिया, तो देखिए नेचुरल सनलाइट आपको सभी बेडरूम्स में, पूरे फ्लैट में नेचुरल सनलाइट आपको हर एक फ्लैट में बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेम हमने इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी किया है। बैक का वॉल आप देखिए काफ़ी अच्छे से हमने डिज़ाइन किया है, नेचुरल सनलाइट आपको मिल रही है, और फॉल सीलिंग का वर्क हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है। कॉमन वॉशरूम आपने हमारा देख लिया, इसके बाद हम ये रूम से अटैच वॉशरूम आपको मिला है, ये भी आपको काफ़ी अच्छे साइज का मिला है। देखिए फुल हाइट हमने टाइल्स की यहाँ पे दी है। इसके अलावा वेंटिलेशन आपको रहेगा अपने वॉशरूम में, और फिटिंग्स हम आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रांड की देंगे सैनिटरी के अंदर। और सबसे मेन अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको अटैच बैल्कनी भी यहाँ पे मिल गई है, ये यूपीवीसी विंडो में टफन ग्लास रहेगा, बैल्कनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। रेजिडेंशियल एरिया है, अक्षय पात्र जो टेम्पल है उससे मान लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ये फ्लैट मिल रहा है, बहुत पास में है, लोकेशन काफ़ी अच्छी इसकी रहेगी। इसके अलावा आप हमारा थर्ड बेडरूम भी देख लीजिए, आइए ये हम आ गए हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम का डायमेंशन भी लगभग सेम ही रहेगा, 10x13 के आसपास का डायमेंशन रहेगा। ये यहाँ पे हमने इसे, आप सोच रहे होंगे सोफाज वगैरह यहाँ पे क्यों सेट किए हैं, तो ये हमारा कुछ सामान है दूसरे फ्लैट का है, वो हमने यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए सेट कर दिया है। कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग हमारी, अगर पोजीशन की अपन बात करें तो 2 से 2.5 महीने के अंदर हम इसका पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे फेज बाय फेज। इसके अलावा अगर आप वेंटिलेशन चेक करेंगे तो आपको सभी बेडरूम्स में काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा है। विंडोज़ अगर आप नॉर्मली क्या होता है फ्लैट में जो विंडोज़ आपको मिलती है काफ़ी स्मॉल साइज़ की मिलती है, बट ये जो विंडो आपको मिली है काफ़ी बड़े साइज़ की। सब अगर आपने नोटिस किया हो तो रूम्स में जो विंडोज़ आपको मिल रही है वो काफ़ी अच्छी साइज़ की मिल रही है। इसके अलावा आपने 2 वॉशरूम हमारे देख लिए हैं, एक कॉमन था, एक बेडरूम से अटैच था। ये हमारा थर्ड वॉशरूम है जो कि अपने बेडरूम से अटैच रहेगा। वेंटिलेशन आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा साइज़ का वेंटिलेशन मिल रहा है, विंडो काफ़ी अच्छी साइज़ की है, फुल हाइट टाइल्स की रहेगी, वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एक बात और कि सारे वॉशरूम्स के जो साइज़ हमने दिए हैं वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड दिए हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ दिए हैं। लोकेशन भी मैंने आपको बताया काफ़ी रेजिडेंशियल लोकेशन है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, प्रोजेक्ट अपना रेरा अप्रूव्ड है,
एमिनिटीज भी आपको काफी सारी यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल के लिए ये हमारा सैंपल हमने यहाँ पे रेडी किया है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टाइम में इसका पोजीशन देना हम स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये हमारी वीडियो, हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं या साइट विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं अपना विजिटिंग स्लॉट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी पे आप हमें फॉलो कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा।